बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त एंड गुड न्यूज़ आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पाकिस्तान में सरकारी भर्तियाँ आ गई हैं जिसमें आप अप्लाई करेंगे। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए तलीमी काबिलियत मिडल, मेट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन चाहिए। महाना तनख्वाह इसके लिए 55,000 रुपये होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, टोटल वैकेंसीज कितनी होगी, एज का क्राइटेरिया क्या होगा। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर लीडिंग एंड प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ लुकिंग फॉर टैलेंटेड, क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट पाकिस्तानी नेशनल फॉर अपॉइंटमेंटिंग अगेंस्ट द पोस्ट्स मेंशन्ड बिलो। वी ऑफर ब्राइट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉस्पेक्ट्स अंडर कंडेंसिव वर्किंग इन्वायरमेंट विद अट्रैक्टिव सैलरी एंड फ्रेंच बेनिफिट्स। कैंडिडेट्स हैविंग फॉर्मिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। पोस्ट एंड पे स्केल टेक्नीशियन वन की पोस्ट दी गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो मैकेनिकल, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 3 ईयर DAE फर्स्ट डिवीजन फ्राम रिकोगनाइज पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट। अगर आपने टेक्नीशियन वन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 3 साल DAE का डिप्लोमा होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन के साथ एक्सपीरियंस इन रेवलेंट फील्ड नील एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए। JR1 असिस्टेंट एडमिन की पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन BA BSc सेकेंड डिवीजन 2 ईयर प्रोग्राम या इक्विलेंट रिकोगनाइज बाय HEC। अगर आपकी बैचलर डिग्री है चाहे जिस मर्जी सब्जेक्ट में, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए नील एक्सपीरियंस चाहिए। जी टेक्नीशियन 2 की पोस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो मैकेनिकल, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो FSc प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन नील एक्सपीरियंस है, या मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड एंड स्किल टेस्ट। टेलीकॉम ऑपरेटर की पोस्ट है, FA FSc सेकेंड डिवीजन। आपकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ICS के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए। टेक्नीशियन 3 की पोस्ट है, मैट्रिक विद साइंस सेकेंड डिवीजन नील एक्सपीरियंस। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, मैट्रिक विद सेकेंड डिवीजन विद 1000 की डिप्रेशन पर आवर नील एक्सपीरियंस। ड्राइवर 3 के लिए पोस्ट है, मिडल हैविंग LTV ड्राइविंग लाइसेंस नील एक्सपीरियंस। डिस्पैच राइडर की पोस्ट है, मिडल हैविंग मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस नील एक्सपीरियंस। नायब कासिद की पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मिडल चाहिए और इसका जो एक्सपीरियंस वो नील है, यानी कि इसमें बहुत अच्छा मौका है आपके पास गवर्नमेंट नौकरी हासिल करने का। जितनी भी वैकेंसीज आई हैं सारी की सारी में एक्सपीरियंस नील चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट डिवीजन के साथ चाहिए। सेकंड डिवीजन के साथ टेक्नीशियन 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, इन दोनों पोस्टों के लिए सेकंड डिवीजन चाहिए, बाकी तमाम पोस्टों के लिए फर्स्ट डिवीजन क्वालिफिकेशन चाहिए और JR असिस्टेंट के लिए भी सेकंड डिवीजन चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट फॉर ऑल द अबव पोस्ट इज़ बिटवीन 18 से 35 साल। तमाम पोस्टों के लिए एज होनी चाहिए अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्रीज फ्राम गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड इफ रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। ओनली पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर आर एलिजिबल, ड्यूल नेशनलिटी होल्डर आर नॉट एलिजिबल, जिनके तमाम पाकिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तमाम अज़ला के डोमिसाइल रखने वाले लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेयर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज़ फर्स्ट डिवीजन क्लास इन द फाइनल डिग्री, ओनली सेकेंड डिवीजन इन द इंटायर अकेडमिक कैरियर फ्राम मेट्रिक ऑनवर्ड विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन,
must apply through proper channel and must provide NOC from their employer at the time of interview. The selected candidates may be appointed posted anywhere in Pakistan. Fulfilling the selection criteria does not guarantee shortlisting. If large number of application meet selection criteria, only shortlisted candidates may be called for test interview. No TDA shall be admissible for appearing in test interview. टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों को नो TDA नहीं दिया जाएगा. द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू विदड्रा कैंसिल द पोस्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई कंप्लीट एप्लीकेशन विद 200 डिपॉजिट स्लिप, अकाउंट टाइटल सर्विस काउंसिल पाकिस्तान, अकाउंट नंबर ये दिया गया है फैसल बैंक ऑन गिवन एड्रेस बिफोर एक्सटेंडेड डेट 18 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है. इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है और ये इनका एड्रेस दिया गया है एडमन ऑफिसर पीओ बॉक्स नंबर 92014 इस्लामाबाद है. तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास गवर्नमेंट नौकरी हासिल करने का. अब इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है मांगा गया, जस्ट ओनली ऑन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक से लेकर बैचलर डिग्री तक. तो मज़ीद इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ रबते में रहें, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें. तो मिलते हैं इस तरह के नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़ जी.